नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल आपका स्टडी कैफे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में रीट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रीट के सिलेबस में मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में क्या आता है, क्या वो रीट में सिलेबस में वेटेज रखेगा, कितने नंबर आपको किस किस तरह से अलग अलग सेगमेंट में प्राप्त करने हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि रीट का सिलेबस है क्या। तो रीट के सिलेबस में आपको सबसे पहले समझना है कि रीट के सिलेबस में आपका जो पहला बेसिक पॉइंट है, कि मतलब सबसे बेसिक पॉइंट क्या आता है कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं क्या है, स्थानीय मान उनका क्या है, उनकी तुलना कैसे करें, गणितीय मूल संक्रियाएं क्या है। अब गणितीय मूल संक्रियाएं का मतलब क्या होता है कि उन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, माइनस करना और गुणा करना, और भारतीय मुद्राओं को जिस तरह से हम यूज करते हैं उनको कैसे ऐड करेंगे, कैसे घटाएंगे, उन सब बातों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला बेसिक पॉइंट आपके मैथमेटिक्स में ये आएगा। अब सेकंड पॉइंट बात करें तो जो संख्या हमारे बटे में आती है, जैसे कि हम बोलते हैं भिन्न, तो पॉइंट में आप जब उसको सिलेबस देखोगे तो लिखा होगा भिन्न की अवधारणा, उनकी उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना करना, मिश्र भिन्नों को जोड़ना, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना करना। अब इन तुलना कैसे करेंगे, जैसे आपको कोई भी संख्या दे देगा 2/3 या 3/4, तुलना का मतलब पूछेगा बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, आरोही क्रम में कैसे लिखें, अवरोही क्रम में कैसे लिखें, इन सब बातों के बारे में उसमें डिस्कस करेगा। फिर इन्हीं भिन्नों को हम जोड़ना सीखेंगे, घटाना भी सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे, भाग देना सीखेंगे। प्यारे मित्रों, भिन्नों को जोड़ना घटाना प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जब हम कोई संख्या दशमलव में हो और के कोई हिसाब हम कर रहे हो, वहाँ ऐड करना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, हमें बेसिक बातें आनी चाहिए, वो सब बातें इसमें भी आएगी। और इसमें उनके संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अब ये अभाज्य गुणनखंड जो आपसे पूछा है, इसमें अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें किसी का भाग नहीं जाए, उन संख्याओं के बारे में इस क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। फिर इन्हीं भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब जब कई सारी भिन्न संख्याएं होती है तो उनका लघुत्तम कैसे लेते हैं, महत्तम कैसे लेते हैं, इन सभी पॉइंटों के बारे में हम टाइप 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, जो आपका मॉड्यूल 2 का काम करेगा। मॉड्यूल 3 की बात करें तो एक-एक नियम, औसत, लाभ हानि और सरल ब्याज। जैसे कि आपके कोर्स में लाभ हानि दे रखा है, लाभ हानि में आपको पढ़ने से पहले परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज के बारे में आपके कोर्स में नहीं है। फिर भी यदि हम परसेंटेज डिस्कस नहीं करेंगे, परसेंटेज का आपको परसेंटेज लगाना और हटाना नहीं आता, तो लाभ हानि का निकालना औचित्य नहीं है। तो सबसे पहले जो सिलेबस में नहीं है छोटा सा पॉइंट परसेंटेज, उसको पहले डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद में हम लाभ हानि और आगे की बात सरल ब्याज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम फोर्थ मॉड्यूल की बात करते हैं, उसको बोलते हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में क्या होता है, जो भी ज्यामिति आकृति है उनके बारे में डिस्कस करना होगा। अब जैसे कि ज्यामिति आकृति सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समतल व वक्रतल, समतल आकृति जो हम धरातल पर करें, इस तरह समतल में कौन कौन सी आकृतियाँ बन सकती है, आयत बन सकता है, आपका वर्ग बन सकता है, समत चतुर्भुज बन सकता है, समांतर चतुर्भुज बन सकता है, तो इस तरह की आकृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में उन पर ठोस ज्यामिति आकृतियाँ, अच्छा ठोस ज्यामिति आकृति का मतलब क्या है, जैसे कि सिलेंडर रहा, एक गेंद रहा, घन रहा, कोई टंकी रही उनको घन बोलेंगे, कोई अपना एक क्यूब खेलने जैसा रहा जो हम शाम शेड्डी खेलते हैं वो घनाव, इन तरह की जो अपनी ठोस ज्यामिति है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर समतल जो आकृति जो है उनकी विशेषताएं, जैसे समतल आकृति का पॉइंट से मिलाकर क्या बना, रेखाएं क्या होती है, किरण क्या होते हैं, रेखाखंड क्या होते हैं, रेखाखंडों में कोण जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, इन सभी पॉइंटों को हम इसमें डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर। मॉड्यूल 5 में क्या करेंगे, हम जो शिक्षण विधियाँ होती है मैथमेटिक्स से जो लिंक बनाएगी शिक्षण विधियाँ, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षण विधि में क्या, उस गणित की प्रकृति क्या है, उसका तर्क शक्ति में क्या यूज है, गणित की महत्ता क्या है, कि गणित का महा क्या यूज है, गणित भाषा है क्या, और उसका सामुदायिक गणित क्या मतलब है, वो सब हम उसमें शिक्षण विधियों में पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा उसका औपचारिकता, अनौपचारिकता विधियों द्वारा उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, शिक्षण विधि पढ़ते समय उनमें क्या क्या समस्याएं आती है, त्रुटि विश्लेषण जो समस्याएं आती हैं उनका कैसे हम विश्लेषण कर सकते हैं, और शिक्षण एवं
अधिगम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी हम इस सिलेबस में डिस्कस करते हुए निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बात बताई, ये सब बातें वो सभी पॉइंटों को कवर कर रही है जो आपके रीट के कोर्स में प्रीवियस एग्जामों में आया है। अब ये जो मैंने आपको मॉड्यूल बताए हैं प्यारे मित्रों, जो मॉड्यूल 1 और 2 मैंने आपको बताया, ये मॉड्यूल 30 में से लगभग 5 से 7 नंबर का वेटेज रखता है। जोड़ना, घटाना, लघुत्तम लेना, संख्याएं क्या होती है, और जो मॉड्यूल मैंने 3 के अंदर आपको जो औसत, परसेंटेज और सरल ब्याज के बारे में डिस्कस किया, ये केवल सिंगल मॉड्यूल 4 से 5 नंबर का वेटेज रखेगा। ऐसे मैं आपको इन तीनों मॉड्यूल की बात करूँ तो लगभग 10 नंबर का आपका वेटेज हुआ। इसके बाद नेक्स्ट मैंने जो समतल आकृति के बारे में डिस्कस किया, वर्गाकार, इन सब बारों के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट हुआ, जो बहुत बेसिक बेसिक जो फंडामेंटल बातें हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो लगभग 10 से 12 या 13 नंबर का वेटेज ये आपका एडवांस वाला पार्ट रखेगा। यदि मैं ऑल ओवर बात करूँ तो 30 नंबर में से मैं आपको ये कह चुका हूँ कि 20 से लेकर 22-23 नंबर तक का पार्ट आपका ये कवर हुआ। अब इसके बाद हम डिस्कस करें शिक्षण विधियाँ। तो मैथमेटिक्स में जो शिक्षण विधियाँ है वो आपकी 5 से लेकर 8 नंबर तक की आती है। कभी वो 5 नंबर की भी है, कभी वो 8 की भी पूछी है, कभी वो 10 नंबर की पूछी है। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका ये पूरा कोर्स है, ये पूरा कोर्स हम कवर करेंगे, और ये मेरा पूरा दावा है, ये पूरी गारंटी है। यदि आप नियमित रूप से सभी क्लासेस प्रॉपर लेते हैं तो ये पक्की बात है कि आपका पूरा जो 30 नंबर का पोर्शन है उसमें से पूरे 30 के 30 ही नंबर आएंगे। तो आपको 30 के 30 नंबर लाना बहुत ही आसान है, और गणित सब्जेक्ट में लाना तो बहुत ही आसान है। तो आप गणित सब्जेक्ट में पहले तो आप सिलेबस समझ चुके हैं, तो मैं जो आपसे फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में अभी मैंने कहा था कि गणित में संख्याएँ क्या होती है, उनके बारे में थोड़े से अपन इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल से हर पॉइंटों का डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखिए कि मैंने आपको बोला कि संख्याएं क्या होती है, और बीच में बोला एक अभाज्य संख्या। प्यारे मित्रों, जो अभाज्य संख्या, मैंने पॉइंट बताया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य का इंग्लिश कीवर्ड है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, क्या होती है अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या उनको कहते हैं ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का भाग जाए, अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाए। देखो, समझे आप, ए का मतलब है नेगेटिव सेंस, मतलब नहीं है, भाज्य मतलब विभाजित। ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो वो सभी संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अच्छा ठीक है प्यारे मित्रों, चलो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई, और डेफिनेशन हमारे एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो फिर मैंने डेफिनेशन क्यों बताई है? मैंने डेफिनेशन आपको इसलिए बताइए कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अभाज्य का मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा कि बताओ निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी, या तो ऐसे पूछेगा या यूं पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं आपके सामने 4 कीवर्ड लिख रहा हूं कि इन चारों कीवर्ड में से अभाज्य संख्या कौन सी है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। कुछ स्टूडेंट तो जीरो के बारे में डिस्कस कर लेंगे, सर जीरो अभाज्य संख्या है। तो प्यारे मित्रों, जीरो में पूरी दुनिया का ही भाग जाता है, तुम खुद सोचो तुम्हारा भी भाग चल जाएगा। जीरो बटे तुम राम भी लिखते हो ना, तो भी इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, जीरो, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल नहीं आ रहा। तो क्या ये अभाज्य संख्या हो सकती है क्या? नहीं, आप जीरो को अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। अब गाज किस पर आकर गिरी, एक पर आकर गिरी, क्या एक अभाज्य संख्या है? अब बोलोगे साहब सही बात है, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, एक में केवल एक का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर एक को गणित विशेषज्ञों के द्वारा आपका अभाज्य संख्या से निकाला इसलिए गया है क्योंकि यदि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो देखो प्रॉपर डेफिनेशन पर आप जाना कि प्रॉपर डेफिनेशन अभाज्य संख्या क्या बोलिए, ऐसी संख्याएं हैं जिसमें केवल एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो एक ऐसा एक कॉमन नंबर है जो मान के चल रहे हैं जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। आपका दिमाग काम भी कर रहा होगा, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात भी है कि एक से सभी संख्याओं में भाग जाएगा। तो एक को हम कॉमन नंबर में नहीं रखकर एक को हमने बोला कि एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो हमने इसको अभाज्य नाम दिया है और ना ही हमने इसको भाज्य नाम दिया है। अब हमारा तीसरा आदमी कौन आ गया, 2। तो प्यारे मित्रों, हमारी शुरुआत कहां से हुई है, 2 से। अब देखो 2 में केवल किसका भाग जाएगा, एक का जाएगा या फिर
दो का जाएगा। क्या दो में इसके अलावा कोई दूसरी अन्य संख्याओं के बारे में भाग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर हुआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो दो है। ऐसा क्वेश्चन आपकी रीट लेवल वन, रीट लेवल टू कई बार रिपीट किया है, आर टेट ने भी, टेट ने भी। तो आप बहुत बेसिक ऐसे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यदि मैं इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा चेंज कर दूं, ऐसी सबसे छोटी सम संख्या, ऐसी छोटी सम संख्या जो कि अभाज्य है, तो आप एक बात को समझो कि सम संख्या क्या है, दो क्या है, सम संख्या, और दो को हमने क्या बोला है, बोलो अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का आंसर भी क्या जाएगा, दो जाएगा। तो आपको उन दोनों बातों के बारे में अच्छी तरह से बातें क्लियर हुई होगी, और मैंने आपको केवल अभी तो एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है कि अभाज्य क्या होता है। और कई भी सारे नंबर है, प्राकर संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, शांत, अशांत, परिमेय, अपरिमेय, और नंबर ऑफ कई सारे टाइप्स है जो आपके अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सब बातें हम बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको हमने इस पॉइंट में केवल इस वीडियो के अंदर केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, और संख्या का एक छोटा सा पॉइंट उठाया कि अभाज्य क्या होता है। तो आपको सब मेरी बातें अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठी होगी। तो सबसे पहले हम कोई भी युद्ध करने से पहले एक रणनीति बनाते हैं कि हमें किस किस तरह से वर्किंग करनी है। वैसे ही मैंने इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि मैथमेटिक्स के हथियारों को किस तरह से लड़ना है, क्या क्या लोग आने वाले हैं, और उनमें क्या क्या पॉइंटों को आपको पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको जो जो हमने पॉइंट पढ़ना है उनके बारे में डिस्कस किया है, सब बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद।